हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी अपने लिए कोई फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं 10,000 रुपये से कम के प्राइस में, वैसे तो 10,000 रुपये के प्राइस में आप लोगों को ज़्यादातर सारे स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग के साथ ही देखने को मिल जाते हैं, पर आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ उन्हीं स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला जिसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग के साथ साथ गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, फोटोग्राफी के लिए आप लोगों को एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसा ही स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं फास्ट चार्जिंग के साथ, तो वीडियो का लास्ट आप जरूर देखिए। अगर आप लोग भी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ साथ एक गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो थर्ड नंबर पे जिस स्मार्टफोन ने जगह बनाई हुई है वो हमारा आता है Redmi की तरफ से, Redmi का 9 Prime। इस स्मार्टफोन के प्राइस की अगर हम बात करें तो 9,499 रुपए के प्राइस में आप लोग इस स्मार्टफोन को भी ऑनलाइन मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो Redmi के 9 Prime में आप लोगों को Android 10Q का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मेंस नजर डाली जाए तो Redmi के 9 Prime में आप लोगों को ऑक्टा कोर वाला 2GHz प्लस 1.8GHz वाला MediaTek का Helio G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज और गेमिंग वाइज आप लोगों को इस स्मार्टफोन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर मल्टीटास्किंग की बात करी जाए तो 10,000 रुपए से कम प्राइस में आप लोगों को इस स्मार्टफोन में 4GB की RAM और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो Redmi के 9 Prime में आप लोगों को 6.53 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो Redmi के 9 Prime में भी आप लोगों को बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन हमारा प्राइमरी कैमरा निकल के आता है वो 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, बाकी के 3 कैमरे आप लोगों को 8+5+2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी की अगर बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो Redmi के 9 Prime में आप लोगों को 5020 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आप लोगों को इस स्मार्टफोन में USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग भी फास्ट चार्जिंग के साथ साथ एक कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे 10,000 रुपए से कम के प्राइस में, तो सेकंड नंबर पर जिस स्मार्टफोन ने जगह बनाई हुई है वो हमारा आता है मोटो की तरफ से, मोटो का G10 पावर। इस स्मार्टफोन के प्राइस की अगर हम बात करें तो 9,999 रुपए के प्राइस में आप लोग इस स्मार्टफोन को भी ऑनलाइन मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो मोटो के G10 पावर में आप लोगों को ऑक्टा कोर वाला 1.8GHz प्लस 1.8GHz वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर मल्टीटास्किंग की बात करी जाए तो मोटो के G10 पावर में आप लोगों को 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो मोटो के G10 पावर में भी आप लोगों को 6.5 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में यह स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन से आगे निकल जाता है, क्योंकि मोटो के G10 पावर में आप लोगों को 10,000 रुपए से कम प्राइस में एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन हमारा प्राइमरी कैमरा निकल के आता है वो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, बाकी के 3 कैमरे आप लोगों को 8+2+2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी की अगर बात करी जाए तो मोटो के G10 पावर में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो जहां यह स्मार्टफोन कैमरे के मामले में बेस्ट है, वहीं बैटरी के मामले में भी आप लोगों को इस स्मार्टफोन में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 20 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आप लोगों को इस स्मार्टफोन में भी USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप लोग भी फास्ट चार्जिंग के साथ साथ बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ कुछ ज्यादा रैम वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे 10,000 रुपए से कम के प्राइस में, तो फर्स्ट नंबर पे जिस स्मार्टफोन ने जगह बनाई हुई वो हमारा आता है पोको की तरफ से, पोको का M2। इस स्मार्टफोन के प्राइस की अगर हम बात करें तो 9,999 रुपए के प्राइस में आप लोग इस स्मार्टफोन को भी ऑनलाइन मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो पोको के M2 में आप लोगों को Android 10Q का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो पोको के M2 में आप लोगों को ऑक्टा कोर वाला 2GHz प्लस 1.8GHz वाला MediaTek का Helio G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज और गेमिंग वाइज आप लोगों को इस स्मार्टफोन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर मल्टीटास्किंग की बात करी जाए तो 10,000 रुपए से कम प्राइस में यही एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आप लोगों को एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल
एक्सटर्नल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। पोको के M2 के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.53 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों को इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं इस स्मार्टफोन के अगर कैमरे सेगमेंट की बात करी जाए तो पोको के M2 में भी आप लोगों को बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन हमारा प्राइमरी कैमरा निकल के आता है वो 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बाकी के 3 कैमरे आप लोगों को 8+5+2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी की अगर बात करी जाए तो पोको के M2 में भी आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसी स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो पोको के M2 में भी आप लोगों को 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 18W के फास्ट चार्जिंग के साथ आप लोगों को इस स्मार्टफोन में भी USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है।